हेलो मित्रों, 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग होने वाली है। देश में कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और चुनाव आयोग भी पूरी तरह एक्टिव है। लोगों को वोटिंग के लिए अवेयर करने से लेकर पूरी वोटिंग प्रोसेस को सुचारू ढंग से चलाने के लिए तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और अधिकारी लगे हुए हैं। आप में से कई लोग इस चुनाव में अपनी लाइफ का पहला वोट डालने वाले होंगे, यानी फर्स्ट टाइम वोटर होंगे। लेकिन आप में से लगभग हर किसी ने कभी ना कभी एक वोट की कीमत को लेकर कही जाने वाली बातें जरूर सुनी होंगी कि आपका एक वोट कैसे सरकार बनाने और सरकार गिराने में बड़ा रोल अदा कर सकता है, और क्यों एक देश का जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते आपका वोट करना जरूरी होता है, वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर आपके एक वोट की संवैधानिक वैल्यू तो आप समझते होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपके एक वोट की कॉस्ट क्या होती है, यानी आपके एक वोट पर कितना खर्चा आता है। इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि साल 1951 में जब पहली बार आम चुनाव हुए थे तब एक वोट पर कितने रुपए खर्च हुए थे, और अब ये कीमत साल 2024 आते आते कितनी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, देश में पहली बार जब साल 1951 में आम चुनाव हुए थे तब करीब 17 करोड़ वोटर्स ने इसमें भाग लिया था, और उस वक्त हर वोट पर 60 पैसे का खर्च आया था, और टोटल खर्च आया था सिर्फ 10.5 करोड़ रुपए। हालांकि उस वक्त वोटिंग बैलेट पेपर से होती थी। साल 1951 के बाद हुए 1957 के आम चुनावों को छोड़ दें तो ये खर्च लगातार बढ़ रहा है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2009, 2014 और 2019 के चुनावों में ये खर्च अपने से पिछले चुनावी खर्च से लगभग दो गुना होता गया। पहली बार 1951 में हुए चुनावों के बाद 1985 तक चुनाव में होने वाले खर्च डबल डिजिट में रहे, और साल 1989 के चुनावों में ये खर्च तीन डिजिट में पहुंच गया, और साल 2004 में उस वक्त का सबसे महंगा चुनाव हुआ जिसमें करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और टोटल वोटर्स थे करीब 68 करोड़। यानी हिंदुस्तान के इतिहास में ये अब तक का सबसे महंगा चुनाव था जिसमें हर वोट के लिए करीब 17 रुपए का खर्च आया था। जहां पिछले 11 आम चुनावों में खर्च का आंकड़ा बढ़ रहा था, वहीं साल 2009 में ये खर्चा घटकर करीब 850 करोड़ रुपए पर आ गया। साल 2009 में टोटल वोटर्स की संख्या करीब 72 करोड़ थी, यानी हर वोट पर करीब 12 रुपए का खर्च, जो 2004 के मुकाबले 5 रुपए कम था। अब आते हैं साल 2014 के चुनावों पर, जब मोदी सरकार सत्ता में आई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए करीब 3875 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, और वोटर्स की संख्या करीब 84 करोड़ थी, यानी हर वोट पर करीब 46 रुपए का खर्च। साल 2019 के चुनाव पर नजर डालें तो उस समय खर्च की रकम करीब 6600 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, यानी साल 2014 के मुकाबले दोगुनी। 2019 में हमारे देश में करीब 91 करोड़ लोगों ने वोटिंग की थी, यानी हर वोट पर करीब 72 रुपए का खर्चा। और अब बारी आती है इस साल 18th लोकसभा के लिए होने वाले इलेक्शंस की। चुनाव आयोग के मुताबिक इस साल हमारे देश में करीब 97 करोड़ लोग वोटिंग करने वाले हैं, और ये इलेक्शन न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होने वाला है बल्कि कई मायनों में ये दुनिया का सबसे महंगा चुनाव भी होगा। माना जा रहा है कि 19 अप्रैल से शुरू हो रहे लोकसभा चुनाव में इस बार करीब 1.2 ट्रिलियन रुपीस खर्च होने वाले हैं। हिंदी में कहें तो 1.2 खरब रुपए। थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो पता चलता है कि ये खर्च 2019 के लोकसभा चुनाव से करीब 18 गुना ज्यादा है। अब यहाँ ये बात भी साफ होनी चाहिए कि ये सारा खर्च सिर्फ सरकार नहीं करती बल्कि इसमें वो रकम भी शामिल है जो चुनाव में खड़े कैंडिडेट्स खर्च करते हैं। अब आते हैं 2024 के पर वोट के खर्च पर। तो जैसा कि हमने देखा कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अंदाजन खर्च 1.2 खरब रुपए होगा और वोटर्स की संख्या करीब 97 करोड़ है,
तो हर वोट पर खर्च होंगे करीब 1237 रुपए, जो 2019 के मुकाबले करीब 18 गुना है। तो दोस्तों, मैंने आपको 1951 से लेकर 2024 तक के चुनावों में खर्च हुई रकम के बारे में बताया। यहां आप इस टेबल में देख सकते हैं कि 1951 से लेकर 2009 तक हुए हर लोकसभा चुनाव में कुल कितना खर्च हुआ और पर वोट कितना खर्च आया। आखिर में आपको ये भी बताते हैं कि चुनाव दर चुनाव ये खर्च क्यों बढ़ रहा है। दरअसल चुनाव में होने वाले खर्च के पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसी हमारी पॉपुलेशन का बढ़ते जाना, साथ ही पोलिंग बूथ, पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के नंबर में बढ़ोतरी होना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप और किस टॉपिक पर ऐसी ही डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं।